हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं क्लास 9 के लिए क्षेत्रमिति का वीडियो लेकर आए हैं। अध्याय 15, त्रिभुज और चतुर्भुज के क्षेत्रफल तथा परिसीमा। हल करें 15.1 का 20 नंबर का सवाल। देखिए का सवाल नंबर 1 क्या दिया हुआ है। एक वर्गाकार भुजा की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर 10% भुजा की लंबाई बढ़ा दिया जाए तो सबसे पहले तो समझिए कि एक प्रारंभिक आयत है आपका। ठीक है, आयत नहीं बल्कि एक वर्गाकार है, मान लीजिए कि ये वर्ग है। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ, इसका जब 10% हम भुजा का लंबाई बढ़ा देते हैं तो आयत का लंबाई भी यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये मान लिया जाए आयत आपका ये है, 10% बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यानी 10% बढ़ाने का मतलब हुआ कि यहाँ अगर भुजा ए मानते हैं ए इकाई मानते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, 10% इसका बढ़ जाएगा। यानी ए प्लस ए का 10 को 10% यानी इसको हम बढ़ा दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए और ए बाई 10 यानी इसका हो जाएगा मान 11a/10। यानी ये कुछ ना कुछ तो बढ़ा है, चाहे इतना ही बढ़ा है लेकिन बढ़ा है। ठीक है, तो ये 10% इसका बढ़ गया। तो अब एरिया, जो ये एरिया यहाँ पे जो जगह छेकता है और ये जो एरिया छेकता है, तो इसमें कितना प्रतिशत का एरिया बढ़ेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, अगर a नहीं मान के अगर 10 मानते हैं, 100 मानते हैं, तो ये 100 अगर इसका एक भुजा है तो ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मान के भी आप बना सकते हैं, नहीं तो फिर ए मान के भी हम बना सकते हैं, तो जो आसान होगा आप बनाएंगे। तो देखिए, हम एक पहले 100 मान के इसको बना देते हैं। फर्स्ट मेथड है, माना कि प्रारंभिक, मतलब ये पहले वाला प्रारंभिक वर्ग का एक भुजा 100 इकाई। ठीक है, इसलिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 100 का होल स्क्वायर यानी ये आ जाएगा 10,000 वर्ग इकाई। लेकिन अगर इसका एक भुजा 10% बढ़ाते हैं तो दूसरी स्थिति में क्या होता है, दूसरी स्थिति में वर्ग का एक भुजा कितना बढ़ा दी जाती है, 10% बढ़ा दी जाती है। तो 100 प्लस 10, 10% बढ़ाने का मतलब 100 में 10 ही बढ़ाएंगे तो 110 इकाई हो जाएगा, 110 इकाई हो जाएगा। अब इसका एरिया जब निकालेंगे, इसलिए क्षेत्रफल बराबर 110 का होल स्क्वायर, 121 होगा, 2 0 हो जाएगा वर्ग इकाई। ठीक, तो अब देखिए पहला और दूसरा में अंतर कितना हो गया, लिखेंगे इसलिए क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ, क्षेत्रफल में वृद्धि कितना हुआ, तो हम निकालेंगे 12,100 माइनस 10,000 बराबर कितना हुआ, 2,100। लेकिन अगर प्रतिशत वृद्धि हम निकालना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिशत वृद्धि पूछा है, तो प्रतिशत वृद्धि बराबर सूत्र क्या होता है, वृद्धि जितना है वो गुना 100 करिए और प्रारंभिक एरिया निकालिए, प्रारंभिक क्षेत्रफल आप यहाँ पे बैठाइए। तो वृद्धि हुआ है 2100,
मल्टीप्लाई 100, और प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना हुआ? प्रारंभिक क्षेत्रफल 10,000 हुआ था, ठीक है। दो जीरो, दो जीरो उड़ गया, दो जीरो यहाँ से भी उड़ गया। अब आया कितना? 21%। तो देखिए आंसर किस तरह से आता है। तो 21% वृद्धि हो गया क्षेत्रफल में, क्या हुआ? प्रतिशत 21% का वृद्धि हुआ, ठीक है। इसी तरह से ए मान के भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए सवाल नंबर 2। ये पहला सवाल आप बना लिए हैं, अब देखेंगे सवाल नंबर 2। एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई 10% बढ़ाने और चौड़ाई भी 10% घटा दिया है, तो इसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? अब देखिए, अब इस बार क्या कमाल किया है कि इस बार जैसे मान लीजिए ये आयताकार है, ठीक है, तो आयताकार है, लंबाई चौड़ाई दोनों हो जाएगा। अब इसमें क्या कहा कि इसमें लंबाई 10% बढ़ाता है और चौड़ाई और घटा देता है, तो आप समझ सकते हैं कि इसका पोजीशन कैसा हो सकता है कि अगर लंबाई इसी का, अगर लंबाई बढ़ा दिया जाए 10%, तो इस तरह से ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और चौड़ाई क्या है इसका, घटा दिया। तो देखिए चौड़ाई इसके तुलना में इसको भी हम कम कर दिए हैं, 10% घटा दिए, तो क्या इसका एरिया बढ़ेगा या घटेगा? देखिए यहाँ पे दोनों बात लिख दिया है कि क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा। तो इस तरह के जो सवाल हैं उसमें आप यहाँ पे 100 अगर मानते हैं तो दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लंबाई बढ़ाएगा तो चौड़ाई यहाँ पे घटा भी देता है, ठीक है। तो अगर हम इसको एक्स वाई मान के करें कि लंबाई को अगर हम एक्स मान लेते हैं, एक्स इकाई मान लेते हैं, और इसका चौड़ाई को वाई इकाई मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका एरिया निकल जाएगा एक्स वाई वर्ग इकाई। और इसमें अगर कहा कि 10% इसको बढ़ा दिया जाए, लंबाई को 10% बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई अगर 10% बढ़ाएगा तो 11 एक्स बटे 10 हो जाएगा इकाई, और चौड़ाई अगर 10% घटा दिया गया तो ये हो जाएगा 9x/10 इकाई। तो इसका भी एक बार एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया आ जाएगा 99x2, 99, एक मिनट, एक्स वाई आ जाएगा, ये वाई होगा, अगर हम इसका चौड़ाई वाई मानते हैं तो ये वाई हो जाएगा, ठीक है। तो 9y/10, तो यहाँ पे आ जाएगा 99, ठीक है, 99xy/10, ठीक। तो देखें इसमें कितना वृद्धि हुआ या कमी हुआ है ये भी बता सकते हैं। 99/10×10 100, ठीक। माना कि प्रारंभिक आयत का एक भुजा एक्स इकाई, यहाँ पे भुजा नहीं लिख करके इसका लंबाई लिखेंगे, लंबाई बराबर एक्स इकाई, चौड़ाई बराबर वाई इकाई, इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? एक्स वाई वर्ग इकाई। अच्छा, दूसरी स्थिति में क्या हुआ सो देखिए। दूसरी स्थिति में लंबाई कितना हो गया? लंबाई 10% बढ़ गया, तो 10% बढ़ गया, x प्लस एक्स का
दस बटे 100 काट दें, 10 आया, ये दोनों का भिन्न का जोड़ करें तो 11x/10 आ जाएगा। और अगर चौड़ाई में भी 10% का कमी करें तो क्या होगा, y माइनस वाई का 10/100, क्योंकि इसका चौड़ाई में क्या हुआ, कमी हो गया। इसको भी उसी तरह से काटिए, अब आएगा 10 माइनस वाई यानी 9y/10 आएगा। लेकिन अब इसका अगर एरिया निकालेंगे, इसलिए क्षेत्रफल बराबर तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा, यानी 11x/10 गुना हो जाएगा 9y/10। अब यहाँ पे हो जाएगा 99xy बटे 100, ये 99 है, ठीक है, 99xy/100 वर्ग इकाई, ये वर्ग इकाई होगी, ठीक है। अब अगर हम देखें कि अब इसको देख करके आप बताइए कि ये पहले का एरिया ज़्यादा है या बाद वाला एरिया ज़्यादा है, तो देखने से पता चल रहा है कि पहले वाला ही एरिया ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कमी होगा, इसलिए क्षेत्रफल में कमी। कमी कैसे निकालेंगे, प्रारंभिक क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसलिए प्रारंभिक क्षेत्रफल में क्या करेंगे, हम दूसरा वाला क्षेत्रफल माइनस करेंगे, तो एक्स वाई माइनस 99xy/100। भिन्न का जोड़ अगर करेंगे तो 100 यहाँ पे निकल के आएगा, यहाँ पे आएगा 100xy और माइनस 99xy बराबर हो जाएगा xy/100 वर्ग इकाई। लेकिन हमें यहाँ प्रतिशत इकाई पूछ रहा है, इसलिए प्रतिशत कमी हो जाएगा यहाँ पे, वहाँ पे ये भी बात बोल रहा है कि कमी होगा या वृद्धि होगा, तो यहाँ पे प्रतिशत कमी का प्रतिशत होगा, तो जितना कमी हुआ, कमी डिवाइडेड बाय 100 और प्रारंभिक एरिया, प्रारंभिक कितना है एक्स वाई, अब एक्स वाई को हम यहाँ से काट सकते हैं, 100 को भी काट सकते हैं, तो 1% का यहाँ पर क्या हुआ, कमी होगा और यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा, क्लियर। तो 1% का यहाँ पे कमी हुआ है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अधिक से अधिक शेयर करिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू वेरी मच।